बताइए कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। रश्मि की सक्सेस स्टोरी है ये। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम रश्मि है और अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे लिए सचमुच में बहुत बड़ी है। छोटी सी सक्सेस स्टोरी है लेकिन वो बहुत बड़ी है। मेरी स्कूटी चोरी हो गई थी। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। स्कूटी चोरी हो जाना मतलब, अरे यार मैं सोच भी नहीं सकती। स्कूटी बहुत जरूरी है, कहीं तो फुर्र से चले जाऊं ना। समझ रही हूँ मैं, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये। मेरी स्कूटी चोरी हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी। मैं घर में किसी को भी बताने के पहले सिर्फ अफर्म कर रही थी मेरी स्कूटी मिल गई है, लेकिन वो डर था, निकल ही नहीं रहा था। मैं घर गई, मैंने अपने भाई को बताया, मेरा भाई चौंक गया और बहुत जोर से मुझे चिल्लाने लग गया। फिर तो घर में सबको पता चल गया और मम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें सुना डाली और मेरे पापा और भाई स्कूटी ढूंढने के लिए निकल गए। पुलिस में भी कंप्लेन कर दी, सब तरीके के एक्शंस ले रहे थे लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो डर के मारे दम निकल रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं अफर्म कर रही थी और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं लिखे ही जा रही थी, कंटिन्यू लिख रही थी, मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है, मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है, मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है। उसके बाद में मैंने 5x5x5 टेक्निक उसी दिन करनी शुरू कर दी जिस दिन मेरी स्कूटी खोई थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं खाना भी नहीं खा रही थी और मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मुझे डांट रही थी। मैंने 5x5x5 टेक्निक में ये लिखा कि मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है, आई एम सो हैप्पी। और 3 दिन हुए मुझे ये टेक्निक करके, स्कूटी हमें हमारी मिल गई। पुलिस ने ढूंढ करके हमारी स्कूटी हमको दिलवा दी, लेकिन मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ और मैंने 5x5x5 टेक्निक को फिर पूरा का पूरा कंप्लीट किया। सेम एफर्मेशन को लिखा और थैंक यू बोला। अब मैं अपनी स्कूटी की बहुत ज़्यादा ही केयर करती हूँ, लेकिन हाँ मैंने अच्छे से अफर्म किया था और फील किया था जब खो गई थी कि वो मेरे हाथों में थी तो वो कैसा फील होता था, जब मैं उसको चलाती थी तो मुझे कैसा फील होता था। मैं अपनी चाबी तक को फील कर रही थी और विजुअलाइज कर रही थी कि वो कैसी थी, कैसी लग रही थी। और 3 दिन जब मैंने 5x5x5 टेक्निक की तब भी मैं फील करती थी और बस यही लिखती जाती थी कि मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है। और जब मैं 5x5x5 टेक्निक कर रही थी तब ही मुझे इंट्यूशन हो गया था कि मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है। जब 3rd डे मुझे ये न्यूज़ मिली कि मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है, तब मुझे ऐसा लगा कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। इस लेवल का विश्वास आ जाता है जब हमारा मैनिफेस्टेशन कम्प्लीट हो जाता है और मुझे ये अपने ही मैनिफेस्टेशन से पता चला। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5x5x5 ने मेरे लिए सचमुच में बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी भेजना चाहती थी और अभी अभी मैं आपको ये वाली सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। मैं बहुत दिन बाद ये स्टोरी आपके साथ में शेयर कर पा रही हूँ और प्लीज़ आप इस स्टोरी को सबके साथ में शेयर कीजिएगा ताकि 5x5x5 टेक्निक से और भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बारी थैंक यू लिखा हुआ है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच, आई लव यू दी, थैंक यू। देखिए 5x5x5 टेक्निक है ना जो, वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और उसके रिजल्ट्स बहुत सारी स्टोरीज में ऑलरेडी भी हमें मिले हुए हैं। और रश्मि की स्टोरी से भी हमें ये पता चल गया कि फील करो, पॉजिटिव सोचो और यस आपकी गट फीलिंग होती है जो आपको बता देती है कहीं ना कहीं कि क्या होने वाला है। तो ये आ गई थी इनको और पता चल गया इनको कि इनकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो कंप्लीट हो गई थी और इनकी जो स्कूटी थी वो इनको मिल गई थी। लेकिन इस चीज़ से आप पूरा पूरा ध्यान रखिए कि अब इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी चीज़ों की केयर हमें करनी पड़ती है, कहाँ पार्क कर रहे हैं, कहाँ चाबी लगी तो नहीं छोड़ दी, कहाँ कुछ तो नहीं हो गया, इन सब चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि कहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का सबक भी है कि हमें लेसन लेना चाहिए, हमारी कीमती चीजें इस तरीके से चोरी ना हो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।